एंड शिट गाइस, हमारी गाड़ी गिर चुकी है, इसका ये ब्रेक टूट गया। लगी तो नहीं भैया, लगी तो नहीं। सो हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस आर फाइन। एंड टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद राइड पे जा रहे हैं। मेरी लास्ट ट्रिप लद्दाख की थी जो हम लोग राइड पे गए थे, एंड आज हम लोग एक नई राइड पे जा रहे हैं, टिहरी। यू नो गाइस, टिहरी उत्तराखंड में सबसे फेमस जगह है, एंड टिहरी डैम करके सुना होगा आप लोगों ने, एंड उसके बाद आज टाइम मिल रहा है टिहरी जाने का। टिहरी की मैं बात करूँ गाइस तो अपने उत्तराखंड में सबसे सुंदर जगह में से एक जगह है, एंड अपने उत्तराखंड में तो हर एक जगह सुंदर है। जिन लोगों को नहीं पता गाइस, टिहरी के दो डिविजन थे, पुराना वाला था ओल्ड टिहरी, एंड अब जो टिहरी है दैट इज न्यू टिहरी। तो पुराना टिहरी जो हमारे पास था वो पूरा नीचे रिहैबिलिटेड था हमारे पास पहाड़ों में, एंड फिर क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने एक डैम बना दिया था। तो जो लोग नीचे रहते थे लाइक वैलीज में रहते थे, इवन मेरे जो मॉम डैड है और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम लोग सब पहले टिहरी रहते थे, तो फुल पहाड़ी पावर। एंड उसके बाद जब वहां पर डैम बन गया तो वो पूरी जगह पानी से भर गई, एंड हम लोगों को रिहैबिलिट करके देहरादून में भेज दिया गया है। तो अब जहां पर ओल्ड टिहरी था वहां पर अब पूरा टिहरी लेके, एंड बहुत बड़ा एरिया है गाइस। एंड बेसिकली गाइस, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो पहाड़ों की हवाओं से और पहाड़ों के रास्ते से तो मेरे को वैसे ही प्यार है। एंड मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू कोशिश करता हूँ कि जो लोग लाइक दिल्ली, मुंबई, गोवा साइड या कर्नाटका साइड रहते हैं, तो उन लोगों के पास पहाड़ देखने को नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ब्लॉग्स के थ्रू दे गेट टू सी द रियल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड, एंड उन लोगों को भी पता लगे कि यार उत्तराखंड में कितनी सुंदर सुंदर जगह है। सो गाइज, नॉट ओनली दिस, आपको इस ब्लॉग में ऑडियो क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा क्योंकि आई एम यूजिंग माई बोयाज न्यू माइक्रोफोन एयर। तो प्लीज़ लेट मी नो ऑडियो क्वालिटी कैसी है, एंड धीरे धीरे यू नो मैं अब प्योर मोटो ब्लॉगिंग में घुस रहा हूँ। आई हैव गॉट दी न्यू माइक्रोफोन फॉर माई GoPro 2, तो इस बारी इस ब्लॉग में रास्ते में चलते चलते आप लोगों से बहुत सारी बातें होने वाली हैं। एट द सेम टाइम वी नीड टू एड अप सम गेट अप टू। ओके, तो ये जो ट्रिप होने वाली है ये 2 दिन की ट्रिप होने वाली है। आज हम लोग टिहरी जाएंगे, एंड अप्रॉक्स 3-4 घंटे का रास्ता है यहाँ से टिहरी से, एंड फिर हम लोग नाइट से वहीं करेंगे एंड टिहरी एक्सप्लोर करेंगे। पूरी आतंक मचा के रखेंगे हम लोग वहाँ पर, क्योंकि यार उत्तराखंड की जो यू नो पहाड़ों की जो खुशबू एंड जो वहाँ का एनवायरनमेंट है ना, वो अल्टीमेट है। इट फील्स वेरी कोल्ड जब आप यू नो रात को ठंडी ठंडी हवाओं में उन पहाड़ की रास्तों में चल रहे हो, एंड जंगल वाला सीन हो पूरा, तो अल्टीमेट मजा आता है यार पहाड़ों पे। सो फॉर दी ट्रिप वी आर टेकिंग दिस बैग, क्योंकि बहुत सारा सामान घुसाना है, ड्रोन घुसाना है, कैमरा घुसाना है, DSLR घुसाना है, एंड देन लैपटॉप भी घुसाना है क्योंकि मेरे को डाटा ट्रांसफर करना पड़ेगा वहाँ पर। सो वी हैव गॉट मैन इन द हाउस, वी हैव गॉट आयुष भाई और करण को आप ऑलरेडी जानते हैं, सैंडी के साथ खेल रहे हैं सुंडी। सो यार अभी टाइम 2 बजने वाले हैं, एंड अब हमारे साथ बाकी लोग भी आ चुके हैं, तो यार फटाफट सामान पैक करके निकलते हैं क्योंकि टिहरी का रास्ता अप्रॉक्स 3 घंटे का होने वाला है, एंड पहाड़ का एरिया है, तो हम लोग टाइम से पहुंच जाएं तो इट विल बी गुड फॉर अस। सो गाइस, हियर वी हैव गॉट ऑल द थिंग रेडी, एंड सब लोगों ने अपने हेलमेट्स और ग्लव्स पहन लिए हैं, इवन वी आर रेडी। एंड बाय सैंडी। सैंडी की तबीयत आज की ख़राब चल रही है, शी होप शी विल गेट वेल सून। And the best thing now is ki now I have the GoPro mic with me. Now it will be quite easy to talk while I'm driving. And ab aur zyada baatein kar sakunga main aap logo ke saath. Please let me know in the comment section down below ki audio quality kaisi hai. Guys, hamare saath 2 ladkiyan bhi ja rahi hai, and jinhe hum log bhani wala tirai se pick karenge. Actually they are my college mates. To weekend hai to we thought ki sabko leke ghumne jaate hum log. And this is where from the beauty of Uttarakhand start. आप कहीं भी देहरादून से 6-7 किलोमीटर के आउटर में चले जाओ, you will see these all beautiful mountains there. आप लोग बोर्ड पे जो श्रीनगर देख रहे होंगे गाइस, वो जम्मू एंड कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, एक श्रीनगर एक पैराडाइज हमारे उत्तराखंड में भी है, और ये सारी जगह जाती है ऋषिकेश के बाद। वेलकम टू ऋषिकेश। ऋषिकेश एंड हरिद्वार आर क्वाइट फेमस इन उत्तराखंड क्योंकि ये बहुत धार्मिक प्लेस है, एंड बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर मजे करने के लिए एंड शांति प्राप्ति और योगा करने के लिए। लुक एट इट, वेयर इंडिया इज प्रमोटिंग आर योगा।
And from here you have to take left, guys. And अब हम लोग guys नरेंद्र नगर वाले रास्ते पे हैं। ये रास्ता भी थोड़ा सा बन रहा है, but अगर हम मसूली वाले रास्ते से जाते तो it would have taken approx 7-8 hours to reach there. While यहाँ से हम लोग केवल 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे। और ये कुछ ही किलोमीटर्स तक ये रास्ता ख़राब है, उसके बाद everything is quite good. So guys, right now we are in the market of Narendra Nagar. और ये बहुत पुराना मार्केट है, पहले यहाँ पर राजाओं रानी का पूरा राज क्या होता था, एंड दिस वॉज ऑल दी पैलेस देयर. अब तो ये सब कुछ तोड़ करके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट बना है, ये अभी भी जो दुकानें हैं बहुत पुरानी दुकानें हैं. जेसीबी एंड शिट गाइस, हमारी गाड़ी गिर चुकी है, इसका ये ब्रेक टूट गया एंड पीछे से तो पूरी गिर गई भयंकर. वहाँ फिसलन ज़्यादा हो रही थी. ओह माय गॉड, दैट वाज समथिंग कूल. वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ है, ब्रेक लगना भी चाहिए. देखो ना, हाँ देखो, ये हो जाएगा. और हमारा ब्रेक पार्ट पूरा अलग हो गया है. सो गाइस, हमारी KTM थोड़ी सी स्लाइड हो गई एंड इसका ये वाला शू ब्रेक टूट गया पूरा, तो अब ये वाला ब्रेक है ही नहीं हमारी गाड़ी पे. एंड शुक्र है फ्रेम ने थोड़ा सा बचा दिया, हल्का सा क्रैक आया है यहाँ पर, बट दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ हाउ यू राइड. कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हो गया. अब पूरी गाड़ी चंबा तक फ्रंट ब्रेक पर लेके जानी पड़ेगी. सो गाइस, चंबा अभी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है एंड टीरी इज अप्रॉक्स 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम चंबा. तो चंबा 15 किलोमीटर दूर, दैट मीन्स विद इन हाफ एन आवर विल बी देयर. टाइम इज ऑलमोस्ट 5:30. अभी गाड़ी जो चल रही है वो केवल इंजन ब्रेकिंग और फ्रंट ब्रेक पे चल रही है. फ्रंट ब्रेक में इसलिए नहीं मार पा रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है. और गाइस, एक और एक्सीडेंट. यू नो, ये रोडें इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो रही हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कौन कब गिर रहा है. एंड ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया गाइस. लगी तो नहीं भैया, लगी तो नहीं? अरे भैया आराम से चलो, हम भी गिर गए. देखो अभी हमारी सब गिर रहे हैं, आराम से चलो थोड़ा सा. लगी तो नहीं यहाँ बहुत गिरे हैं. अरे कुछ नहीं, कहीं जैकेट इतनी मोटे कुछ नहीं हुआ. ये लग गया, कुछ लगा क्या? चलो कोई नहीं भैया, ना 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 कुछ. अरे कुछ नहीं हुआ भैया, सही सही है. अरे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वो झटका हो गया का. चलो आराम से चलाओ भैया, आराम से. एंड दिस इज वेयर फ्रॉम ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड स्टार्ट्स. पूरी वैली में है ये एरिया हमारे पास एंड रोड अब यहाँ से सही भी है पूरी. This brotherhood, what you're looking for is my family. And अभी और जन यहाँ पर है नहीं हमारे साथ, but they have been there for me since starting. You know, lucky तो ऐसा है कि मतलब कुछ भी अगर मेरी गाड़ी में काम करवाना होता तो वो ही करवाता है. And अभी मेरी गाड़ी जब नीचे गिरी तो he was the first one जिसने सब कुछ निकाल के अलग करा. And he told me कि भैया इसका ऐसा है वैसा है, क्योंकि he knows everything. So guys, right now we are in Chamba. And this is the more lit place. Ibadi paka. So guys, we are in Chamba right now. And we are rolling through the market of Chamba. Abhi hum log yahan par room book karayenge. And uske baad hum log yahan par jitni ghumne ki jagah hai wahan par aayenge. And drone shot lenge raat ko. Ultimate maza aane wala hai guys yahan par. And this is the chowk of Chamba. मैं यहाँ नीचे गया हूँ पहले बचपन में, मेरे को याद है. एंड ये बहुत लिट मार्केट है.
दिस इज ऑल द मार्केट ऑफ चंबा गाइस। एंड यहाँ पर जो दुकान है ये बहुत ज्यादा एंटीक है, यानी बहुत पुराने टाइम से अभी तक यहीं पर है। और हमारे सब्सक्राइबर्स हमें यहाँ मिल चुके हैं। क्या ले भाई, बढ़िया, कहाँ घूम रहे हो, क्या नाम है भाई आपका? आदित्य फ्रॉम चंबा। ये हमारे सब्सक्राइबर में मिल चुका है, देख रहे हो शक्ति भैंस की टांग। तो यार यहाँ पर एक जगह है, लेट्स सी, यहाँ पर लिखा तो है रूम्स अवेलेबल, बट वाओ मैन कितना प्यारा से लग रहा है यहाँ पर। फिर रूम मिल जाएंगे, छह लोग हैं, दो रूम छे। So guys, right now we are in Chamba and here we have got all the gang behind us. Most of them you already know. और कुछ नए चेहरे हमारे पास, श्वेता शी इज़ माई कॉलेज मेट एंड श्रेया और वो भी कॉलेज मेट ही है। तो हम लोगों ने सोचा यू नो वीकेंड का कुछ एक्सट्रीम करते हैं और अभी हम लोग चंबा में हैं। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ चंबा की कितनी प्यारी है इस टाइम पे। तो यार जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ पर वहाँ के चार्जेस बहुत अफोर्डेबल थे, अप्रॉक्स 1000 रुपये हमें पड़े होटल के चार्जेस। और बाइक हम लोगों ने यहाँ पर पीछे पार्क करी है क्योंकि अब हम लोग पैदल पैदल चंबा का मार्केट एक्सप्लोर करने जाएंगे। पहाड़ों का इस टाइम इतनी ठंडी हवा और इतनी प्यारी हवा चल रही है गाइस। तो यार अभी हम लोग चंबा के मेन मार्केट में घूम रहे हैं एंड मेरे पीछे चंबा का आप मेन चौराहा देख सकते हो, जो एक क्लाउड एंड के लिए जाता है, एक धनौल्टी के लिए जाता है और एक टेरी के लिए जाता है। एंड यहाँ पर इस टाइम पे यू नो मार्केट थोड़ा सा क्लोज हो चुका है बट वी स्टिल हैव गॉट सम शॉप्स। और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हम लोगों को क्योंकि हम लोगों ने शाम को कुछ नहीं खाया था एंड अभी हम लोग यहाँ पर कुछ खाएंगे एंड देन फिर हम लोग होटल रूम में जाएंगे एंड फिर सुबह का प्लान है हमारे पास टेरी जाने का। सो यार बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो राइट नाउ वी आर इन अ रेस्टोरेंट इन चंबा एंड यहाँ पर फास्ट फूड और नॉन वेज और वेज सब कुछ मिलता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आ रखे हैं एंड लोकेशन इज़ क्वाइट गुड है। तो अभी हम लोगों ने ये वाली लोकेशन उठाई है एंड यहाँ पर अभी हम लोग फास्ट फूड और मैगी चाउमीन खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो यार अभी हम लोगों ने यहाँ से खाना पैक करा लिया है और हम लोगों ने लिया है पनीर और नान जो कि हम लोग होटल में जाके खाएंगे। सो यार वी आर बैक इन द होटल रूम और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टायर्ड है यार क्योंकि RC का ब्रेक पैड टूट गया था, फिर इधर की भगदड़ और मच गई थी, लेकिन एक अलग ही एक्सपीरियंस है यार। एंड आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं गाइस। होप आप लोगों को इस व्लॉग में मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ।